नवाब, आज तक कभी तेरे को पैदल करा रहे मैं? नहीं बाबा, आज अपना काम नहीं होना तो अपन बहुत बुरी तरह पैदल हो जाते। सब टाइमिंग का खेल है नवाब, टाइम देख क्या हो रहा? 11:45 है। उन्हें आ रहा देख, तू रेडी है ना? हाँ मैं रेडी हूँ बाबा। ये डाला देख, सामान रेडी है ना? सामान भी रेडी है बाबा। ये उन्हें निकला देख। नवाब मिल गए रे बाबा, जगह मिल गई। कैसा नहीं मिलती रे? चले चले, इसमें अच्छी है। निकाल निकाल। अच्छा नहीं चल रहा रे, नहीं तो तेरे को 5-star होटल में सुलाता था मैं। कब तक यहाँ सोएंगे रे बाबा? अरे बाबा, कब तक ये जगह के लिए लड़ते रहेंगे रे? राजा महाराजा भी जंग करते रहे जगहों के वास्ते। ये दुनिया अपने को क्या दी रे बाबा? ये दुनिया किसू क्या दी रे जो अपने को देंगी? बाबा, अपन जिंदगी भर ऐसी रहेंगे। रोमत, तेरे को मैं रोते नहीं देख सकता। एक दिन आएगा रे, अपन ये दुनिया के बादशाह बनेंगे। फिकर क्यों कर रहा? सही बोल रहा बाबा। ले खा ले। मेरे को नींद आ रही बाबा। हाँ चल सो जाएंगे। चल सो जाएंगे सर। सुबह तक बारिश रुक जाती है। ले लिया रे भाई आदमी। तू कभी मिल बेटा, कल बताते तेरे को। नवाब डब्बा खुल गया बाप, एक दो बीड़ियां लेना। तेरे को मालूम है जब तक धुआने का मशीन काम नहीं करती। कल तो मंगा था ना उससे, अब मैं मंगता हूँ। आज तेरे को नहीं देंगा उन्हें, मैं जरा गरीबी की सूरत बना के मंग लेता हूँ। उठा रे। ए, चल के वापस दे। नहीं देते, जा क्या कर ले ता कर ले। ए, भाग रे। अरे भाई, पान के डब्बे वाले को ऐसा बोल दिया, कल से बीड़ी वीड़ी कुछ भी नहीं देता उन्हें। जाओ कल दूसरा पान डब्बा देंगे रे भाई। कब तक मंके पींगे रे भाई बीड़ियां? अब जल्दी जगह ढूंढ, मेरे पानी के डब्बे में सुराख है। अरे भाई, रोज अच्छा एक बीड़ी मिल रही थी, तेरी वजह से वो भी नहीं मिलती। अब जा, आएगी तेरे काम। कल से कौन देता है क्या नहीं की बीड़ी? तू टेंशन कहीं को ले रहा रे? एक बार प्रेशर तो आन दे, भेजा खुद ब खुद काम करता। अरे बाबा,
अपनी पहले की जिंदगी कैसी थी नेरे? उन सोचा था आज अपन यहाँ लोटे लेके बैठेंगे। मैं नौकरी इंटरव्यू को जाता था तो अंटियों को लाइट मारता था। दुनिया वालों को अपने ऐसे हीरो की परख नहीं है रे। बीड़ी तो थे, जरा अपन रिवाइंड का बटन दबा के देखेंगे अपनी पहले की जिंदगी कैसी थी। कहां से आ रहा रे? फिर आज इंटरव्यू देने गया था। अपन लोगा इंटरव्यू लेना रे, देना नहीं। छोड़ रे भाई बेकार के नौकरियां इंटरव्यू, आज ये मेरा आखिरी इंटरव्यू था, खत्म। इतने दिनों से क्या मैं तेरे को जापानी में बोल रहा था? मेरे को देख, न घर न दार, ओनली बम्बई बार। बस रे भाई, मेरी भी फतों की शराफत, ये लोगों को मेरे से काबिल आदमी की जर्रे भी खतर नहीं है, सबको देख लिया मैं। आज से मैं भी मेरे तरीके से जाऊंगा। अब आया देख तू सीधे रास्ते पे, चल। देख नवाब, ये दुनिया वालों का बैंड अगर अपन नहीं बजाना तो ये लोग अपना बैंड बजाए थे। ये लोगों की कुंगी तेरे कैसा बजाना मैं सिखाता हूं। आ बुआ बैठ। चबूतरों पे बैठने दिया हमें बेरोजगारों के सर का, काम कारोबार पे जाना है, पहले आज जाएंगे वार्निंग दिया। अच्छा जा, जल्दी आटा को किक मार के निकल, नामपली चेहरे के दो ट्रिपा मार लेके आ जा, शाम को तेरे अड्डे पे मिलेंगे, बॉस्को के पास जाके जरा कैरम वैरम खेलेंगे, समझ रहा ना? क्या बोलता बाबू? सही बोला। और अबू जरा आते वक्त एक हाफ बॉटल ला ले, और एक बार तू तले हुए मच्छियां लाया था देख, वो तले हुए मच्छियां ला लेना बाप। बैगन के शौका कर रही तो चार पैसे जेब में रख लेना। आई ले बाबा, बड़ी बात कर दिया इन्हें। ऐसा अगर आज रात तक इन्हें शराब नहीं लाया तो इसके ऑटो के टायरा और सीटा बेच के वही पैसों से अपन भी पियेंगे और इसको भी पिलाएंगे। पिलाता पिलाता पिला लेने अकेला ही रोजगार है। अच्छा चल पट्टे में, तेरे को शाम को मिलता हूँ। एक सौ तो देके जा रहे भाई। अरे यारो, नौकरी मिली ना कुछ मिली, पैसे कहाँ से आएंगे मेरे अरे पास? बस के चिल्लर के कुछ तो बचे होंगे ना रे। देख ये देख, देख है ना, देख निकाल ले रे भाई तेरा चिल्लर। एक दो तीन चार पांच रुपए। करोड़पति आदमी भी बीड़ी पीता, आज अपन बीड़ी से काम चला लेंगे। अरे भाई असली टाइम पास ही नहीं हो रहा अपना। आता रे भाई कोई ना कोई टाइम पास। जॉब इज वेरी टिपिकल यार, यू नो हाई टेक सिटी एज ओके, आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड, आई थिंक दिस यार। बाबू हेलो, टेल मी यार टाइम क्या हो रहा? मेरे से टाइम ना को पूछो, यहां से मेरा टाइम अच्छा ही अच्छा है बाबा। अरे हेलो कहां जा रहे हेलो? मैं एलओसी का एजेंट हूं, मेरा बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं पॉलिसियां बनाने, मेरे को जाना है। तुम लोग ऐसा बेकारी का टाइम नहीं है मेरे पास समझे? हम लोग बेकार दिख रहे हैं भाई तेरे को, क्या बेच रहा बोल, हम भी खरीदते हैं। हाँ ऐसा, माफ करना भाई पहचान में गलती हो गई। ये देखो भाई, इसको बोलते लाइफ ऑन कंट्रोल पॉलिसी। ये पॉलिसी आप लोग जैसा कराते आप लोगों को लाखों रुपए का फायदा ही फायदा, और आप लोग लाइफ पूरी आराम से गुजार सकते मेरे भाई, खाली महीने को महीना पैसे भरते रहना पड़ता। अरे बाबा ये सब बेकार रहता रे भाई, जान दे इसको जान दे। अच्छा सुन, हाँ गरीब का फायदा हो जाता ना। अच्छा एक काम करो, सामने खासिम चरपटा पलान बोल के रहते, उनका चले जाओ, उनको इसकी सख्त जरूरत है, पूरे लेते। पंद्रह बीस आराम से भेज सकता भैया, उनके पूरे खानदान को डाल देता हूँ लाइफ ऑन कंट्रोल में। अब क्या होता है कि उसका आखिरी किराक इतनी है कासिम। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, बेचूंगा येलो सी मैं इसको, सी मैं इसको, सी मैं इसको। कासिम पहलवान आप ही है? हाँ मैं चूं। क्या हुआ? चलो निकालो 3000 रुपए। कहीं के रहे 3000 रुपए? ओ शेट मैन, अब आपको पहले से समझाना पड़ेगा। देखिए साहब, गाड़ियां हैं टूट फूट सकते, चिंदियां होते उन लोगों का पैसा कैसा आ जाता, इंसान है साहब, इंसान भी कभी भी टूट फूट सकता। ये देखो साहब, आपका मुंह काट दिए, आप जाके टाके दला लिए दवाखाने में पैसे खर्च करके। वो हम कराएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको क्या बोलते रहे? इसको इंश्योरेंस। तो तू मेरा इंश्योरेंस कराने आया? हाँ। कितने पैसे बोला रहे तू? 3000। चला रहे दे, तो चेक दे रहे कैश दे रहे वो सब मैं देख लेता। आइए सर आइए। कुर्ता कहीं उतारे साहब? ऐसे लोगों की पॉलिसी करने से तो अच्छा है मैं मेरी पॉलिसी कर लूं। येलो सी खाप में भी नको। हे प्रभु, मेरी शकुंतला की बदौलत से मैं ये छोटी मोटी किराने की दुकान लगा लिया। मेरे को पहले ही ग्राहक से इतनी दौलत दे कि मैं ये छोटी मोटी किराने दुकान से सुपरमार्केट के रेंज तक पहुंचूं प्रभु। इन्हें नई दुकान खोला, सुबह से माल जमा रहा था, मैं देख लिया। ओपनिंग अपन ही करेंगे, चल उधर भी देंगे।
आइए साहब, आप लोगों को कहीं देखे जैसा। वो हमारे बंगले पे आए थे ना इंश्योरेंस कराने, क्या हुआ इंश्योरेंस का काम छोड़ दिया? हाँ साहब छोड़ दिया साहब इंश्योरेंस का काम, दम हो गया साहब, छोटी मोटी किराने की दुकान लगा ली। अरे कब खोले दुकान, बहुत अच्छी है। आज ही खोला साहब, अभी खोला, अभी पहले किराया खाया। कांग्रेचुलेशन। बिस्किट का है? शुक्रिया। बिस्किट, चिप्स है? चिप्स। मोमबत्ती है? मोमबत्तियां भी यही है साहब। सब यही है। फिर अंदर क्या है? अंदर चावल है, शक्कर है, गेहूं है, शकुंतला है, आई मीन चावल शक्कर गेहूं। एक 5 किलो चावल, 5 किलो शक्कर, 5 किलो गेहूं, जरा अर्जेंट ला। भाई अर्जेंट बोतो नहीं होता, नए थैले खोलना पड़ता, थोड़ा टाइम दो, अभी लेके आया। ओके शकू, पहला गिरा चला गया। हम जा रहे थे। भाई वो चावल सोना मैसूर। सीनू, कितना कारोबार हुआ दुकान में? लाखों का कारोबार हुआ शकुंतला। उधार तो नहीं दे रहे ना? एक ही दिन में पूरी दुकान बिक गई अपने। ऐसा जरा देख के चौरा वारा आते रहते, अब माल भरना पड़ता अपने को दुकान में। बोल देना था डैडी को तुम्हारे। अच्छा अरे कबीरो, कौन है रे तुम लगा मेरी दुकान को लूट के चले गए? आज ही ओपनिंग करा था ना रे। सही बोला रे बाबा, तो ये दुनिया को अपने से हीरों की खबर नहीं है। ये साली दुनिया को चमत्कार दिखाए तो ही नमस्कार करती रे। चल बाबा। किराने वाला मौस बेच रहा है। आज के बाद वो भी नहीं बेचेंगा उन्हें। चल। क्या जोर से पेशाब आ रहा हो? कोई लेडीज तो नहीं है ना इधर? बहुत खट्टी इमली आएंगी साले झाड़ से। वाह, अरे उठ मिया, वो नौकरी की बात करके रखो। मैं 11 बजे का टाइम दिया उन्हें तेरे को, उठ, हमाम खाली है, जा जल्दी, नहीं तो वो नौकरी भी हाथ से चले जाएंगी। अच्छा हुआ और एक औलाद पैदा नहीं करा मैं, नहीं तो रातों को भी ड्यूटियां करना पड़ता था मेरे को। औलाद को पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते होंगे? नौकरी करे तो अच्छा, नहीं तो आंखों में छुपते रहती औलाद। बावा 100 रुपए रख के जाओ जी टेबल पे उधर। कल 50 रुपए दिया था ना बस के किराए को, बचे सो क्या करा? 50 रुपए देके 50 दिन तक भूलते रहते यार। 100 रुपए पूछ रहा, दियो ना। सौ रुपए में 2 दिन का राशन लाता हूँ मैं। 100 रुपए में कैसे चलता घर? और खिलाओ घी के रोटियाँ, और जोर आता उसको। रोटियाँ नहीं है बोलते औलाद को। 1 महीने से खाली इंटरव्यू दे रहा हूँ उन्हें। अब नौकरी नहीं मिली तो उसका क्या कसूर है? जो बड़बड़ करते रहते हैं उसके ऊपर फकर। हेलो, ये रखो 20 रुपए और बस पकड़ के सीधा इंटरव्यू को जाओ।
कौन से कयामत के दिन नौकरी मिलती थी इसको? अरे ये थैले लेके काम कर रहा, 100 रुपए मार दिया भाव की पॉकेट में से, 40 रुपए दौल दो ठंडे खंबे लेके बैठ जाएंगे कहीं भी झाड़ के नीचे, समझ रहा नहीं तू? पहले मेरी बात सुन, ये 500-700 का माल है, अपने को किसी को चिपकाना है। तेरे कहां से मिला है कॉन्ट्रैक्ट? वो सब तेरे कई को, ये डुप्लीकेट सामान किसी को चिपका दिया गया, उन्हें मेरे को बोला, मैं बोला तू फिक्र क्यों कर रहा, चिपका देता हूँ, 5,000 में बेचते ही अपना कमीशन घटे। चलो भाई लोग, बाहर कमाल सस्ते में, बाहर कमाल सस्ते में, 5,000 का रोलेक्स गरीब 500 रुपया में, 3,000 का परफ्यूम पॉइजन 300 में। चलो चेक के पास टाइम नहीं है, जल्दी आओ, 2 घंटे में हमारा फ्लाइट है, याला थाल थाल ले, बाहर कमाल सस्ते में। चलो चीचा आओ आओ जल्दी आओ, किस किस को खाली करना है, नहीं लगाओ, आओ भाई आओ, क्या चाहिए? क्या शेख, कुछ बचा नहीं बचा, उधर धूम मची हुई है। शेख तुम बहुत देर करा, कुछ तो दो, बाहर गार्डन है, हम भी लेते। हमारा हाथ का घर ये तुम्हारा नसीब अच्छा है, ये लो ऐश करो, कितना पैसा है तुम्हारे पास? कितने दो तुम बोलो। 300 रुपया तो लेके जाओ, रोलेक्स का है। हाँ हेलो, क्या शेख कांटा नहीं चल रहा ना इसमें? अरे बाबा तुम उधर जाओ, 2 ताली मारो, कांटा भी चलेगा तुम भी चलेगा, जाओ। ठीक है शेख। शेख शेख मेरे को भी एक परफ्यूम है तो दो ना। तुम्हारा किस्मत अच्छा है, हम ये हमारा दोस्त के लिए लाया था, एक परफ्यूम है, 500 रुपया दे जल्दी। 500 300 रखे हुए साहब। 300 कोई बात नहीं, चलो चलो तुम्हारा किस्मत, चल। क्या शेख खुशबू नहीं आ रही इसमें? ये दूर का वार है बच्चा, इधर मारा उधर खुशबू आ रहा, जाके सुंगो, चलो इधर जाके सुंगो। क्या रे भाई पानी दिख रहा है ये पूरा, हमारे शेख साहब आए दोनों भी चल दिए। जब तक है जी फटे तक पी, क्या बोलते क्या बोलते, जब तक है जी फटे तक पी, जब भर जाएगा जी तो कौन साला खाएगा पी। मैं भी एक शेर बोलता हूँ, न दौरे शराब रहा बाकी, न दौरे शबाब रहा बाकी। क्या बात है, वो लज्जत तो खत्म हो चुकी, क्या बात है, मगर ये कमबख्त अजब रहा बाकी। क्या बात है, क्या बात है, अब मैं बोलता हूँ सुन सुन, मस्त रहो अपनी मस्ती में, वाह न जाओ गैरों की बस्ती में। क्या बात है, मुलायदा फरमाए शायद, मस्त रहो अपनी मस्ती में, न जाओ गैरों की बस्ती में, और ऐसी की तैसी वैसी बस्ती की जहाँ कदर नहीं अपनी हस्ती की। क्या बात है, क्या बात है, अपन लोग आए हैं लाइन से, कैको बैठे हुए भाई, कैको कैको ऐसा लाइन से बैठे बोले तो सामने की बालकनी में से आंटी कभी भी निकल सकती, मगर कभी कभी उसका मर्द भी निकल जाता, इसी बात पे एक सिगरेट हो जाए। अरे मेरे सिगरेटा खत्म हो गए भाई, इधर भी नहीं है। अरे मेरे गुटके, अरे मेरा गुटका कहाँ है भाई, मेरे गुटके बगैर नींद थी। गुटका नकोगा मेरे भाई, गुटका नकोगा, खाना है तो पान खा ले मगर गुटका नकोगा, मैं तेरे पेट में मुंडी डाल के तेरे पैरां खींच लेता हूँ, गुटका नकोगा। इतनी रात को सब चीजें किधर मिलेंगे बोले भाई, हैदराबाद में कभी भी चाय पान सिगरेट बिरयानी मिलती, क्या को फिकर कर रहा? चलो फिर मेरे ऑटो में जाके लाएंगे भाई, चलो रे। तुम ना खत्म हो, काली बोतलों से नफरत है मेरे को, मेरे पकड़ रहे भाई। अरे अबू जल्दी आ रहे भाई, रे तुम ला कहीं को फिकर कर रहे थे भाई, लातो भाई अंधेरी रातों में सुमसम राव पे एक मसीहा निकलता है जिसे लोग अब्बू कहते हैं, सिगरेट गुटके दे रहे रे। अरे अबू जल्दी आ रहे भाई, पहले पुलिस की पेट्रोलिंग चलती रहती,
अपने पोटों खाली पीली केसों में डाल ले रहे जल्लिया। अरे चिल्लड़ तो वापिस दे रहे भाई। भाई तू कौन है क्या? बड़े बड़े बात कर रहे, निकल यहाँ से। अरे मावा पुलिस वाले धोना कर रहे अबू को, देख देखा। अरे भाई जाएंगे तो मेरी पेंशन उसके। मैं उतरूं क्या? अरे रुको उतरा दो, खाली पीली और गड़बड़ हो जाएंगे। मैं ऑटो चलाता हूँ रे। और रुको रे, तेरे चलाना था नहीं आता भाप, ठहर फिर उसका इंतजार करेंगे। नहीं होता कल की बात कर दो भाई, रत्नम साहब के पास जाना पड़ेगा। क्या रे अब्बू, पुलिस वाले तेरे गर्दन पे भैर रख दिए करते, क्या तो भी आखिर मेरे को नहीं मारा रे भाई। झूठ रहा हमारा सब देखे, पुलिस वाले तेरी गर्दन पे सेक रहा सो। अरे बाजुक तो शराबियां दे रहे भाई, उन लोगों को मार रहे। अरे कहीं को पीते थे कि ये लोग, शराब पीने से क्या फायदा है? सही बोला, अपने ऐसे रहना, अपन तो पीके नहीं है। हाँ। नहीं चल भाई गाड़ी निकाल, हम लोगों को आगे रास्ते पे छोड़ दे। राइट निकाल रहे, डाल रहे गियर में। रोक रहे भाई हमारी गली आ गई, उतार दे इसको यार, माफ कर दो। तेरी उतर गए जैसा दिख रहा मेरे को, वहीं से उतर गए रे इसकी। सही बोल रहे अब्बू, तेरे पुलिस वाले मारे ने मारे करते रब तक ला ले। और रे भाई दिए क्या करते अब? अरे तू पुलिस वालों से मारा गया ना, अब घर को जाके जोर से भी जूते का दस्त हो जा। मजा आ गया दुनिया में आकर, दिल को समझाने जाए। तू ही रे तेरा बिना, तू ही रे कैसे जियूं, तू ही रे आगे। अरे बाबा अब नहीं तेरा तक कह कुछ जग रहे, निन्नी आ रही बोल के, अपने को निन्नी आ रही तो लोगों कैसा नहीं आ रही आज। सेवड़ा बड़ा सालों को दरवाजा तोड़ दे। अरे पंचनों को मार, खटका मार। क्या हुआ जी, कौन होना तुम्हार को? वालेकुम सलाम। कौन है जी इतनी रात को? तुम अंदर जाओ मैं बात करता हूँ। क्या हो ना? सलाम चीचा। वालेकुम सलाम चीचा। नल वाला पानी टाइम पे छोड़ रहा ना अपनी बस्ती में। देखो मियां तुम लोगों को, हम कुछ वो केबल वाला टीवी पे चलना पूरे बराबर बात आ रहा है, कट रहा बीच बीच में। क्या है रे इतनी रात को तमाशे, 3 बजे रात को पीले क्या के कौन है रे तुम लोग? हम मुकद्दर के सिकंदरा है। क्या है इतनी रात को तमाशे? हमको शहर का दौरा करना पड़ता, ये देखना पड़ता कि सिटी में सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा। चलो जाओ यहाँ से निकले, चलो हल जा रहे जा एयरपोर्ट, हल जाओ बेटा जाओ, कल सुबह तुम्हारे घर पे आके बात करता हूँ। चलो जी अंदर, क्या देख रहे हैं? नींद नहीं आ रही तुमको? क्या करोगे? एक आखिरी गाना सुन ले बाप, हलायत दे तेरे को सुन ले, मेरे खातिर आखिरी सुन ले। अरे ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में, आके जरा अपू जा संभाल ले मेरे को पाने। सुन सुन मैं गाता हूँ, सुन सुन गाओ, सुना गा रहा हूँ। अरे गाजू आगा पिल्ला में गाजू लमकादा, गाजू आगा पिल्ला में गाजू लमकादा। रे ये एंट्रा नी बाबा कौन है रे? एक बात तेरे को बोलना चाह रहा हूँ, सुन। बोल। अरे गाना गाने में ना दे रहा, सुन एक बात बोलो मैं तेरे को। बोल। मेरे को नहीं प्रियंका तनुश्री विपाशा नहीं, ये दोनों की मौत ही हमारी। मेरा कोई भी नहीं है, मेरा एक बात बोलो तेरे को, मेरे को नहीं अम्मा नहीं है, बाबा नहीं है, भाई नहीं है, मेरे को भी भाई नहीं है रे, कुछ मेरा भाई है रे, तू मेरा भाई है ना, मेरे अम्मा बाबा मेरे अम्मा बाबा है ना, मगर तू तेरे को गर्लफ्रेंड है।
अपने को गर्लफ्रेंड होगी कई गुरे जरूरत अपने को नहीं है मारे गर्लफ्रेंड अपन पटाते नहीं पट्टिया नहीं पढ़ते फिर नहीं पढ़ते पढ़ते है रोज बहुत पढ़ते कैसी कैसी अपन नहीं पढ़ाते फिर समझा चल यहाँ से उड़ जाएंगे घर को जाएंगे सो जाएंगे तो चल मैं आ रहा हूँ रे दरवाजा भंगे बाप टाइम क्या हो रहा टाइम बहुत टाइम हो गया होगा घड़ी नहीं है मगर तीन बज रहे देख मेरी बात सुन अपन बाहर सो जाएंगे बाहर सो जाएंगे यहाँ सोएंगे अरे बोलो बोलो भाई सुबह अम्मा झाड़ू मारने निकलते अच्छा चल छत पे सो जाएंगे मैं तेरे को लेके चल दो चल आ जा मगर छत पे कैसा सोएंगे रे अपन अरे हौले बोल डॉग मैं ऐसे इमरजेंसी के वास्ते छत पे दो बोन से दो तकिए हमेशा रख दो समझ रहा नहीं तू चल भाई आ जा अरे देख के मेरे पे गिरेगा देख के मामा मामा बाबा बाबा कहाँ है रे तू ऊपर मैं इधर हूँ रे बाबा ऊपर कैसा अरे बहुत फास्ट चल रहे अपन एक्सपीरियंस है अच्छी अच्छी जगह चढ़ गए अपन मेरे को फॉलो कर रे चल सो जाएंगे चल जाएंगे सो जाएंगे सुबह शबनम गिरेंगे अपने ऊपर गद्दे तक ये सो भाई चल आए खान साहब तुम्हारा बच्चा तीन बजे रात को किले के तमाशे कर रहा तरीका है ये मैं पुलिस कंप्लेंट कर दिया था अरे बेग साहब मेरे को नहीं मालूम रात को घर को भी नहीं आया उन्हें आई उन्हें सेकंड शो जाता बोल के बोला और एक फ्लावर भी आया लास्ट की बात उसका दोस्त नहीं हमारा उसके साथ फिर रहा हूँगा उधर का सिकंदर आया एक छुपे डोरे एक दिन उन्हें घर छोड़ के भाग जाता तुम ऐसा उसके पीछे लग गए तो आप लोग जाओ उन्हें ऐसा खुद बोल ही जाता अच्छा तो यहाँ सो रहा तू मैं वही बोल रहा हूँ रात को बेटा गायब हो गया छोड़ रहे बहुत खूब मेरे बच्चे अरे सोन दे रे अच्छा करा इसको भी लाके यहाँ सुला लिया सो वैसे भी इसका पूरी बस्ती में मुकाला है अब दिख रही रे दोनों की जोड़ी बराबर रात को क्या करे रे तुम लोगों को नींदों में से उठा के परेशान करे रे और तेरे को इंटरव्यू को जाओ बोला था ना क्या हुआ रे गया था उधर मैं नहीं देता जी बाबा इंटरव्यू मेरे से नहीं होता जी बाबा तुम्हारा जाति घर है ना तुम कर रहे ना नौकरी मेरे को जब मिली जब करता हूँ मैं कब मिलती रे कोशिश करे तो मिलती मैं नहीं करता जी बाबा कोशिश वोशिश वो तुम्हारे चवेले की जमीन है ना मेरे नाम पे करे थे तो वापिस ले लो बाबा वैसे भी पूरा रियल एस्टेट चले लगे बहुत लंबी हो गई रे तेरी जबान मारो ना कुछ अच्छा अब मैं नौकरी को जा रहा हूँ अम्मा जो भी सौदा बोले वो लाके दे देना और सुन इसके साथ आवारा गर्दी करते फिरा या मोहल्ले में मेरे को कोई आके बोले नवाब ऐसा करा खुदा की कसम खोद के गाड़ डालूंगा तेरे को समझा रे अच्छा परसों मैं शर्ट चेंज कर रहा था पॉकेट में से 100 रुपए मार देता मियां आप नाश्ता बोल जाओ मैं कराता हूँ रे चल कुत्ते के बच्चे अरे मारो जी अरे मारो पाकिट मार बन गया अरे मारते पक्का स्पिनर बन गया भाग जाता हूँ देखो क्या है रे रातों के रजगे मैं क्या करा अंकल मैं क्या करा अरे तू बिगाड़ा मेरे बच्चे को मैं बिगाड़ा उन्हें दूध पीता बच्चा है तुम्हारी से औलाद है ना मेरी औलाद नहीं होती क्या हाँ? निकल यहाँ से करे होंगे ना शौका हमारी उम्र में क्या रे नाश्ता कराता हूँ बोल के ऐसा ले लग जा रहा जेब में पैसे है तेरे क्या खिलाता अब तेरे को खाने से मतलब है ना खत्म चल खा के भागना है तो पहले ही बोल दे रहे भाई समझ गया मैं वो सब अच्छा कर लेता हूँ भाई एक 4 प्लेट इडली 2 मसाला डोसा जबरदस्त गरम गरम पानी दे दे उस्ताद कौन सा इधर ले लेते अरे बाबा तेरे को क्या हुआ रे क्या डाला इडली में रे क्या डाला इडली में बोल साले जहर डाला क्या डाला बोल अरे बाबा इधर आ तेरे को मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ आजा बाबा आजा अरे हटो इधर आ रे पूछा बाबू उठ उठ तेरा भाग्य बता तो रे साले आजा बाबा हम पे सना कोड़गा आराम से संभल के हाँ चल बहुत दूर आ गया हटो कैसी करा रहे जबरदस्त करा
मैं कैसी कर एक्टिंग? अपन फिल्म एक्टर रहना था रे। ओ फिर खाली ऐसी एक्टिंग करके बता दे बोल बा कोई भी एक्टर को, मान लेता हूँ। क्या डाल रहा बोल के डाल भाई? बॉलिंग डाल रहा हूँ। अरे हाउ रे भाई, स्लो डाल रहा, फास्ट डाल रहा, स्पिन कर रहा, क्या कर रहा हो बोल? पहले स्लो तो खेले आ रहे, बाद में देखेंगे फास्ट स्पिन। अच्छा जान दे भाई, जो डाल रहा हो डाल। पहले बॉल पे आउट हो गया देखा। अरे यारो, अरे बैट दो भाई। चल भाई पासवर्ड, चल मेरी बैटिंग है। बाबा के पास मैं खेल रहा हूँ। याद है वाला जोश में रखो, खेलो। देखो उठ जा बच्चे हंस रहे। क्या कर रहा है भाई? क्या हो रहा है? कहाँ जा फोड़ दे रहे घरों के? ये ले छोटे, ये जगह मिली रहे तुम लोग क्रिकेट खेल रहे, कांच फुटवाई ना रहे। भाई आओ रे नीचे, अंदर देखो टांगा तोड़ दो पूरों के। भाई भागो ना इधर, चलो पुलिस को फोन कर दे। तो अच्छा किया जीजा जी जो रोक दिया, वरना सात भाइयों की जगह छह रह जाते। हेलो काशीनाथ, बाहर नहीं है घर पे। हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर। आई बच्चे, टीवी का आवाज कम करो, भैरे है क्या तुम लोग? शेर की हाँ जी कर रहे। पिंजरे में आकर शेर भी। अरे बेटे बाहर कौन है देख? अरे बाहर तुम जाकर देखो, यहाँ क्लाइमेक्स की आखिरी फाइट चल रही सनी की। तो तेरे को पैदा करके गलती करा रहे भाई। ऐसा ही समझो। कौन होना बेटे? अंकल नौ है घर पे। काई को? एक हफ्ता पहले मेरे से 3,000 रुपए लिए थे, ये बिल बता के। हाँ। उनके बाबा का इंतकाल हो गया बोल के। हाँ। खबर बनाने के वास्ते सीमेंट रेती मजदूरों का खर्चा बोल के 2 दिन में देते बोले, मगर एक हफ्ते से गोल है। मैं कैसा कि आप लोगों के घर का एड्रेस ढूंढ के यहाँ आया। वैसे अंकल नाप को आप क्या होना, ताया वाया होना क्या? अबा क्या धोरा देख बाप सनी। अब भी बताता हूँ बेटे, मैं नवाब का क्या हूँ सो, तुम यही ठहरो। अच्छी बात है। सनी बेटा फाइटर नहीं देखा बाप। क्या बुरा मार रहा रे भाई। हाँ बेटे। क्या बाबा? मेरी खबर कहाँ है बेटे? सामान डालना शुरू कर रहे। कई गो आवाज बोल रहे, 1,000 साल जियो आप। मेरी खबर बनाता हूँ बोल के 3,000 रुपए लिया करते ना रे तू। कौन बोले बाबा? कौन बोले? अब नहीं बचेंगे रे कुत्ते के बच्चे तू। अरे हट रे, आज के बाद से तुम लोग घर में खत्म नहीं रखना, काट डालूंगा दोनों को। झलक भी दिखी तो मार डालूंगा तुम लोगों को। मर गया तू आज से मेरे वास्ते, मर गया तू आज के बाद। बाबा वो दूरा उठ रहे घर से। ये रे तेरा बढ़िया। अंकल एक ठंडे पानी का बॉटल मिल जा। ठंडे पानी का बॉटल? हाँ। अब भी लाता हूँ मेरे बच्चे, आराम से ठहरो, अब भी लाता हूँ। देखा तुम्हारे बाबा मेरी बात कैसा सुने, तरीके से बोलने। इधर अरे बच्चों को तलवार से डराते हैं। अरे बाबा नवाब, ये क्या हालत हो गई रे तुम लोगों की? ये क्या तो भी है रे, कहाँ रह रे, कैसा जी रे, ये क्या तो भी खा ले रहे तुम लोग? देख रे अबू, ऊपर वाला दुनिया बनाने से पहले ही बोल दिया, मैं अपने कोई भी बंदे को भूखा नहीं सुलाऊंगा। उसके कर्म से ना आज तक कभी भूखे सोए ना कभी सोएंगे। तू कहाँ है रे भाई,
कहाँ की फिर ले रहा तू, ना हमसे मिल रहा ना पूछ रहा, कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी नहीं रे बाब, तुम लोगों का रहने का इंतजाम कैसा करूं बोल के सोच रहा हूं। अरे वो मेरी बीवी रे भाई, नाक में दम कर दे रही बाप। एक बार मैं घर से ससुराल को भैया जाए समझ तो तुम लोगों के रहने का इंतजाम हुआ था बाप। तुम ना बेफिक्र हो रे भाई, आज तो साली की ऐसी फिटिंग करूंगा, घर से भी उन्हें निकल जाना और वापिस आने को भी सोचना। अरे अब्बू थोड़े पैसे तो दे के जाना रे हम लोगों को, हालत ना सुधार लेते रे भाई जरा। ले रे भाई। शुक्रिया बाप। हो गए। अब आ जरा देख के वहां फुंसी है मेरे को। बस साहब और रिकॉर्ड करूं क्या? अरे ना क्वारो, एक ही कोट बस है अपने को, जरा दिखते रहे ना खशखशी दाढ़ी। क्या हुआ रे, हुआ तेरा? जरा मैं बगलों के बाला निकाल लेता हूँ। हाँ मेरा भी हो गया रे भाई। तूने नहीं कर रहा? हाँ तू निकाले बाद मैं भी आ रहा हूँ रे निकालने को। बालान जगह जगह के बढ़ गए, बहुत बेचैनी हो रही रे बाप। अच्छा उस्ताद, लारियों का कलर है तुम्हारे पास? लारियों का नहीं भाई, लारियल बोलते हैं उसको। अरे नहीं बड़े भाई, जो भी बोलते होंगे अगली बार एक चार पांच कलर ला लो उस्ताद। हाँ ठीक है, ला ले दो। करा लेंगे। बचपन से अब तक पहली बार कटा है रे बगल के बाला? नहीं रे कमीज थे। क्या है रे वो? झटका है मेरा। इधर रखा था मैं। पूरे 15 दिन की फ्लासी दूर हो गई बाप। अब यहां से कैसे कामा बनना शुरू होते देख अपने। मेरे को भी ऐसी दिख रहा है। मेरा दिल बोल रहा कोई ना कोई तोता फंसने वाला है आज। हेलो, हाँ जी, क्या पैसे का इंतजाम हो गया है? वो जो तूने मेरे से 25,000 लिए थे, अरे यार जल्दी दे दे, कभी देगा? अभी अभी आऊं लेने के लिए? अरे यार अभी तो मैं थोड़ा दूर हूँ। एक काम करता हूँ, मेरे तो भाई लोग हैं हैप्पी और लक्की, उन्हें भेज देता हूँ। अरे यार एड्रेस तो बता कहाँ पर लेना है। क्या विलाउस? विलाउस के नीचे खड़ा है। अरे फटाफट अभी 15 मिनट में भिजाया यार। उन लोग को तू देखते पहचान ले। अरे सरदार रोज रोज थोड़ी पैसा लेने आते हैं यार। ओके थैंक यू। आप हैप्पी और लक्की? ओ जी बिल्कुल ठीक पहचाना जी आपने। लीजिए आपके पैसे, गिन लीजिए, पूरे 25,000 है। ओए गिनने दा टाइम किसके पास है? ओ जी सत श्री अकाल जी, फिर मिलेंगे जी, चलते बनिए जी। सुरेंद्र पाजी। हाँ जी। Myself happy, he is lucky. Then who are those two keys to whom I gave the money? Those two are monkeys. Now you become monkey. पापा जी, पापा जी, अरे पापा जी, पापा जी। ऐसे तोते अगर रोज मिले तो कितना मजा आएगा ना बाप। अच्छा सुन, थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे ना रे भाई अपन। ऐसा मगर एक रूम का इंतजाम हो गया ना बाप तो एक ठिकाना हो जाता अपना। कहां से होगा रूम का बंदोबस्त? अरे बाबा ना, अरे बाबा ना, ए ए पैसे छुपा ले। पहले सांस ले ले फिर बोल। अरे मेरी बीवी घर छोड़ के भाग गई बाप। बीवियां इतने डेंजर रहते, छोड़ के जाते ही मियां इतने खुश होते। अरे नहीं रे भाई, बहुत अच्छा हुआ, अपन तीनों मेरे घर में अय्याशी करेंगे अब। क्या काम करा बाप, अच्छा हुआ तेरी बीवी को भिजा दिया सो, बहुत परेशान हो गया था मैं उसकी काव काव से। अच्छा वो रूम का किराया तो देना नहीं पड़ता ना। अरे अगर इसकी बीवी वापिस आ गई तो? अरे नको बोल भाई फिर से अब। चुपिच भगाया समझ रहा है ना, इसकी बीवी को किराया अपने को देना है। हो रे हाँ। चल अब दे देंगे। लगा मेहनत के पैसे बेटा, ऑटो में पेट्रोल है यहीं से शुरू करता आप खर्चे। टीवी है रे रूम पे।
दावत के सब काम छोड़ दे के तुमला जुए खाने में जाके पैसे लुटा रहे साले। वो तीसरा डाकू कहाँ है? चेंगो भाई। क्या हो रहे? मैं आपको बोला था नहीं, मेरे खदेरे पे यहाँ करीमनगर से आ रहे बोल के, ये लोग आई छे। बाबा नवाब, ऐसा लाला के बर्रा तू लोगों को यहाँ वहां से, पहले 3 महीने का किराया निकाल, समझा? नवाब जरा दे दे भाई। और 500 ऑटो का बता कितने? 500। अब जाना बड़े भाई रूम में जाओ। अच्छा सुनो, शाम में मेरे पास दावत है, तीनों मिलके आ जाओ। ऐसा अंगार लगा देंगे जाएंगे भाई। मगर ये दावत है किस खुशी में? अब तक मैं 25 लड़ाइयां लड़ लिया, 10 पलानों को पचखड़ा मारा, 15 मामले सुलटाया, पूरे मिला के कितने केसा हो गए? 50। उसी खुशी में आ जाओ तीनों। अन्ना अपुन भी देंगे उधर। अरे लाडू बे इडम दे सब चल रहे। श्रोतलु इंतवरकु సరిగమ శీర్షికన చక్రవర్తి సంగీతం సమకూర్చిన కొన్ని సినిమా పాటలు విన్నారు. కూర్పు సమర్పణ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి. బో జల్దీ ఉడగనే రే. नमस्ते जेंगो भाई। क्या हुआ इतनी जल्दी उड़ गए? क्या हाल है? बस मजे में उस्ताद। रात को इलाज हुआ पार्टी में? अरे नहीं मियां, लाइट असीस कभी कभी। जेंगो भाई हाँ, तुम्हारे से एक छोटा काम था उस्ताद। क्या काम है? अरे पड़ा हो गया क्या? इसको डुबाने का प्लान दिख रहा है मेरे को। डेरा अपन किसी को कभी डुबाए, खुद लोग आके डूबते तो अपन क्या करेंगे? तुम लोग फ्रेश हो जाओ, अपन ऑफिस में मिलेंगे। हाँ पलान है रे, खबर में से भी ढूंढ के निकाले तो अपने को। अगर खबर में से भी ढूंढ के निकाला तो उसको क्या मिलने वाला? ఓం శుక్లాం బరదరం విష్ణు శశివర్ధం చతుర్భుజం ఎవరు నన్ను మోసం చేయకుండా కాపాడు జంగో భాయ్ ఓరి అమ్మ అరే క్యారే భాయ్ ఇతీ జల్దీ ఆగే హమారే బావా బోలే నేక్ కామ్ మే దేరీ నే కర్నా ఔర్ మేరే బావా బోలే కల్ కరే సో ఆజ్ కరే సో అబ్ అచ్చా బోలో క్యా కామ్ హై కుచ్ పైసే ఉసే హోనా క్యా ఉదార్ మే క్యా జల్దీ సమజ్ గయే జంగో భాయ్ ఉర్తి జుడీ కే పరా గిన్ లేతే అపన वो सब छोड़ो, कितने होना? 500,000। एक 50 होना था चेंगो भाई। आओ बैठो। इतने ही? ये लो। 50 रुपए नहीं चेंगो भाई, 50,000 रुपए। 50,000? कैसा वापस करते तुम लगा? गारंटी शुरुटी है मनुंदा रवि में दे रहा? हाँ? अब्बू के भाया है, और क्या शुरुटी होना आपको? अब्बू को तो बुलाओ। ये बात अब्बू को नहीं बता सकते चेंगो भाई। ये अब्बू के गाँव को भी जाना है पैसे। अबू के बाबा की तबीयत खराब है, अबू के बाबा का एक हार्ट फेल हो गया सोचेंगे। एक हार्ट? एक किडनी। इधर परेशान में टिर रहा है नाकु। पैसे वापस कैसे करते तुम लोग? पहली होते ले लो जंगो भाई। अरे चिना ना, एक 50,000 लेके आ रहे हो क्या? ना अन्ना साइन कहाँ करना है जंगो भाई? नहीं आपका ये एहसान जिंदगी नको रे नको। राइट जंगो भाई, जरा गांव को जल्दी भेजा देना था पैसे। बड़ा अमाउंट है जंगो भाई, खुद लेके जाना पड़ता, 2 दिन में वापिस आए थे। जंगो भाई क्या कर रहे भाई?
क्या सोच रहा रे? ये 50,000 के 1,00,000 कैसा बनाना सोच रहा हूँ। एक काम करेंगे, सीधा बॉस्को को जाएंगे, 2-4 बड़े गेमा खेल लेंगे, जेंगो के पैसे जेंगो को दे देंगे, बाकी के पैसों में अपन अय्याशी करेंगे। देखा, जुआ खेल रहा हूँ, 3-1 क्या है मेरे को। ऐसा कल रात को मेरे ख्वाब में भी 3 रानियां आए। क्या बोलता? चल जाके बॉस्को को गुलाम बना देंगे।